एक बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बारिश की वजह से हुए वाटर लॉगिंग में बड़ा हादसा हो गया है। स्टेशन पर आई एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है, महिला कल रात पति के साथ स्टेशन पर कहीं जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए आई थी। पानी में डूबी हुई थी बिजली की तार, जिसमें दौड़ रहा था करंट, चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। रेलवे और पुलिस अब जांच कर रही है। सवाल यही है कि आखिरकार ये साक्षी आहूजा नाम की महिला है जिसकी मौत हुई है, आखिरकार इस मौत के पीछे जिम्मेदार कौन है? ये वाटर लॉगिंग में ये तार डूबा हुआ था जिसकी चपेट में आने की वजह से साक्षी की मौत हुई है, करंट लगने की वजह से देर रात की ये घटना है। कहीं ये बारिश राहत के तौर पर देखी गई, लेकिन कहीं ये बारिश मुसीबत बनकर बरसी। अब सवाल यही है कि ये बिजली का तार जो इस पानी में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से साक्षी की मौत हुई है, आखिर जिम्मेदार है कौन? पति के साथ दरअसल ट्रेन पकड़ने के लिए ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आई थी महिला, जिसकी मौत हो गई है। करंट लगने की वजह से साक्षी की मौत हुई है। एक बड़ा हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये हुआ है। हालांकि पुलिस अब जांच पड़ताल की बात कह रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है जहां साक्षी आहूजा की मौत हो गई है। ये बारिश का पानी यहां पर भरा हुआ था और इसमें बिजली की तार डूबी हुई थी। जब साक्षी यहां से गुजर रही थी तो करंट की चपेट में आ गई और साक्षी की मौत हो गई। अब सवाल यही उठ रहा है कि ये तार नीचे पड़ा हुआ था जिस पर किसी की नजर नहीं गई, आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार है कौन? इनके मम्मी पापा अपनी गाड़ी लेके गए कि गाड़ी में बैठ के गए, वो गाड़ी उन्होंने स्टेशन पे खड़ी करनी थी, वो तो खड़ी करने चले गए। ये दोनों बहनें, दो, एक मेरी वो डॉटर इन लॉ, एक इनकी सिस्टर, एक इनका ब्रदर, ये तीनों इकट्ठे चल रहे हैं। आगे आगे मेरी बहू चल रही है, वो चल रही है तो आगे कोई तारे पानी वानी होगा, खड्डा, इसको ध्यान नहीं, जैसे ये चलती गई एकदम से इसके पैर में कुछ अड़ा होगा, वहीं पर यह लिपट गई, वहीं गिर गई। और पीछे मेरे बच्चे और वो मेरी इसकी बहन दोनों को पकड़ा हुआ, और मेरी वो पोती भी भागी उसके पीछे, लेकिन किसी ने, आप जैसे ने, किसी ने पकड़ लिया बच्चे को, तो उसकी बहन ने अपनी बहन की बाजू खींची, उसको भी आ गया करंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट लगा उसको, वहीं पे उसको होश नहीं था। फिर एकदम से एम्बुलेंस आ गई, सब आ गए, तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, ये लेडी हार्डिंग में। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, मैं खुद गई सुबह, मेरे को फ़ोन आया, जैसे ही फ़ोन आया मैं भागी, मेरे को फ़ोन ये नहीं आया कि उसको कुछ सीरियस है, आप आ जाओ। मेरी वो डॉक्टर ला की बहन ने फ़ोन किया, जैसे ही मैं पहुँची वहाँ देखा उसको अंदर लिटाया हुआ था, उसको कोई होश नहीं, कुछ नहीं, लाती रही कुछ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, एक बैठा था। मैंने उसकी रिक्वेस्ट करी, पैर पकड़े, इसको बचा दो बचा दो, उसने कोई बात नहीं सुनी, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अभी अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, पता नहीं। फिर बेटे ने, सब लोग, दो चार और हमारे पहुंच गए, वो अब डॉक्टर आए हैं, वो कर रहे हैं जो अपनी कार्रवाई करनी होती है। जिम्मेदार किसको मानती हैं इस जिम्मेदार किसको मानती हैं किस तरीके की जिम्मेवार तो सरकार ही है, जो जिन्होंने यहाँ कम से कम रात को तूफान आया, पानी था, उसको तो जब गाड़ियां चल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, कम से कम रास्ता तो साफ करना चाहिए ना, पानी भरा हुआ है रास्ते पे, ये चीज तो जिम्मेवार तो सरकार ही है ना, उनको देखना चाहिए था ना, वो तो सारी रात ड्यूटी, तो दिन रात सबकी ड्यूटी होती है ना, वहाँ देखना चाहिए ना, तारे गिरी हैं, तूफान आया है, सबसे पहले उनको देखना चाहिए ना, वो नहीं देखा ना, तो गलती तो हम उन्हीं की मानेंगे, हमारा तो बच्चा चला गया, हम क्या करेंगे, किसको बोलेंगे, आप बताओ सरकार भी क्या करेगी। ज्यादा पानी था, तारे थी, उसको एकदम जैसे चल रही है एकदम से आगे, उसका मेरे को कौन बताएगा, वो तो चली गई। बताने वाली चली गई, मेरे को तो बच्चों ने बताया, मेरे बच्चों ने। मम्मी गिर गए, बेहोश हो गई। बताओ अब क्या करें, किसको बोले, किसको दोषी ठहराए। सुबह से मैं पागल हूँ, मैं 2:30 बजे की रात को जा रही हूँ, जब से तूफान आया है, जब से तूफान आया है, मेरे को पेन था, मैंने दवाई खाई, तो मेरे मन में कुछ था कि कुछ गड़बड़ है, मेरे मन में था, लेकिन मेरे को नींद नहीं आई, मेरे को कोई थोड़ी देर ही पहले नींद आई है, 5 बजे से पहले ही थोड़ी देर आँख लगी है। ओ, मैंने फ़ोन ड्रॉअर में रखती थी, आज मैंने फ़ोन भी बाहर रखा, मेरे मन में आया कभी बच्चे मेरे को फ़ोन करें कि मैं फ़ोन ही ना अंदर पड़ा, मेरे को पता चले मैंने फ़ोन भी बाहर रख दिया।
मेरे बच्चे नहीं, मेरे छोटे बच्चे नहीं बात करी मम्मी, माँ आप जल्दी आ जाओ, मेरे को माँ बोलती है जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, आप जल्दी आ जाओ, मम्मी भी होश हो गई है जल्दी, उनको क्या पता। आप साक्षी की, आप साक्षी को कैसे जानती थी आप? साक्षी, अच्छा साक्षी, साक्षी बहुत अच्छी लड़की थी, इसके जितने गुण गा लो उतने ही कम है, वो हमारे को बुआ नहीं समझती थी, बहन नहीं समझती थी, हमारी नंद है, ये इतना प्यार देती थी वो लड़की, उस जैसी लड़की मैंने पूरे परिवार में भी नहीं देखी, बहुत अच्छी लड़की, इतना प्यार करती थी, कोई उनके घर आ जाता मिनटों में सारी चीजें इकट्ठी कर लेती थी। पता नहीं साक्षी बेटा ऐसे मत करो, नहीं दीदी नहीं दीदी नहीं, आप ऐसे ऐसे नहीं जाओगे खाए बगैर, ऐसे वो हमारे को नहीं भेजती थी कभी भी, वो लड़की बहुत अच्छी थी, जितने गुनगा लो उसने कम है जबरदस्ती, मम्मी आप ठीक हो जाओगे, आप चलोगे फिर हमारे साथ घूमोगे, मेरे को नहीं पता था वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी, भाभी का ऑपरेशन हुआ है हम आते हैं तो पता ही नहीं चलता था, मम्मी आप नीचे उतरोगे नहीं, कदम नहीं रखोगे, इतनी सेवा वो लड़की करती थी, हम घर भी जाके कहते थे साक्षी बहुत अच्छी है, साक्षी जैसी लड़की हमने कोई नहीं देखी, साक्षी बहुत अच्छी थी, आज साक्षी को पता नहीं कोई टेंशन नहीं, इतनी हंसमुख, इतनी हंसमुख, इतनी सुंदर, भगवान ने ऐसे बनाई थी, इतनी सुंदर, देखोगे तो गोरी चिट्टी हंसमुख हंसती रहती थी, भगवान ने उसको क्या क्यों ले लिया, इतनी हंसमुख थी, चेहरे पे कोई कह ही नहीं सकता ये लड़की, कोई 10 बंदे भी 100 भी आ जाए ना वो पीछे नहीं हटती थी, उसने गुण गाया बहुत अच्छी थी मेरी बेटी, वो मेरे को ले लेते हैं, वो तो ना जाती, बच्चों की माँ तो ना जाती है, मैं बच्चों को क्या करूंगी, कैसे मैनेज कर पाऊंगी, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानती है, क्या जो घटना घटी नहीं, हम किसको, हम किसी को नहीं मानते, हमें क्या पता, हमने तो सुना है कि साक्षी चली गई, साक्षी हमें कुछ भी नहीं पता, मैं तो सीधा यहाँ आई हूँ, मुझे नहीं पता, ये पता चला कि साक्षी वहाँ जाके उसको करंट लगा, करंट लगने के साथ ही साक्षी चली गई। कौन कौन जा रहा था साथ में, कितने लोग? मम्मी पापा भाई बहन और दो बच्चे साक्षी के, जो साक्षी बस, दोनों बेटे क्या? दोनों बच्चे, लड़की और लड़का वो साथ जा रहे थे, दो बच्चे हैं ना, दो बच्चे हैं साक्षी, 9 साल का मेरा पोता है और मेरी बहू, ये रात को ही निकली 8 बजे कैब करके दी है, उल्टा मैंने, मेरे को चाय बना के दे के जा रही है, मम्मी आप पी लो, इतनी सेवा करती थी ना, मेरे को काम नहीं करने देती जब से मेरा 4 महीने से ऑपरेशन हुआ, सारा काम कर गई, गाड़ी में से अभी सुबह सामान निकाला है, ब्रेड ये वो, मम्मी मैं जा रही हूँ ना तो आप पीछे परेशान ना हो, आपको कौन ला के देगा, भाग दौड़ करती थी, गाड़ियाँ चला, बच्चों को ले जा हर जगह, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ है, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, भगवान को भी तरस नहीं आया, बिल्कुल तरस नहीं आया भगवान, मेरी बेटियां भी हैं, मेरी बेटियां दूर दूर रहती हैं, कोई मैं किसी को नहीं बुलाती थी, वो कहती थी मम्मी आप उनको टेंशन मत करो, वो उनको अपने घर रहने दो, मैं हूँ ना आपके साथ जी। ये परिवार है और कहीं सीधे तौर पे, क्योंकि ये वैकेशन पे जा रहे थे ये लोग और सुबह जाना था, ये परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और परिवार के सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, साक्षी के बारे में परिवार के सभी लोग जिक्र कर रहे थे किस तरह का स्वभाव था साक्षी का, और अपने आप में ये दुखद है, पानी के अंदर ये तार डूबा हुआ था जिसमें करंट दौड़ रहा था और इसी की चपेट में आने से साक्षी की मौत हुई है। और अब एक नजर 3 मिनट में 30 बड़ी खबरों पर डालते हैं।